नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेतिका द किसान माठ में। आज हम बात करेंगे काले के काले सच के बारे में, जिसे कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सामान्य गेहूं के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन काले गेहूं के बारे में बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। इस काले गेहूं की कीमत और खासियत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि पिछले कुछ सालों में देश के भीतर भी काले गेहूं की चर्चा सुनने को मिली है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले पंजाब के मोहाली में पहली बार गेहूं की इस फसल के बारे में सुना गया था। हाल में मध्य प्रदेश के धार जिले के एक किसान ने इसे उगाया तो ये फिर से चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि धार जिले के इस किसान के पास अब देश भर से लोग इसकी मांग कर रहे हैं। ये खासियत बताई जाती है, सफेद या सामान्य गेहूं के मुकाबले काले गेहूं के अंदर करीब 60% अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है, जबकि अन्य प्रोटीन, पोषक तत्व एवं स्टार्च की मात्रा सामान्य गेहूं के बराबर ही होती है। भारत में इसकी खेती न के बराबर होती है, इसीलिए इसके आटे की कीमत करीब 2000 से 4000 रुपए प्रति किलो तक है। कई ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इन बीमारियों से बचाता है। काले गेहूं ब्लैक वीट के बारे में कहा गया है कि यह गेहूं कैंसर जैसी बीमारी के अलावा डायबिटीज, तनाव और दिल की बीमारियों की रोकथाम करने में सक्षम है। साथ ही यह मोटापे जैसी बीमारी की रोकथाम करने की क्षमता भी रखता है। हालांकि इसको लेकर नाभी की साइंटिस्ट और काले गेहूं की प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर मोनिका गर्ग का कहना है कि चूहों पर किए गए प्रयोग में पाया कि इसके सेवन से ब्लड कोलेस्ट्रॉल के साथ शुगर में कमी देखी गई, साथ ही वजन भी कम हुआ। लेकिन ये प्रभाव इंसानों पर कितने कारगर साबित होंगे, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। इस वजह से होता है काला। पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नवी ने करीब 2 साल पहले इस किस्म को भारत में विकसित किया था। नाभी के अनुसार उन्हें इसमें करीब 7 साल का समय लगा। उनके पास इसका पेटेंट भी है। नाभी की साइंटिस्ट और काले गेहूं की प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर मोनिका गर्ग के अनुसार, जिस तरह से फल एवं सब्जियों का रंग उनमें मौजूद पिगमेंट यानी रंजक कणों की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही काले गेहूं के अंदर एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट होता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसकी मात्रा काले गेहूं में 100 से 200 ppm तक होती है, जबकि सामान्य गेहूं के भीतर यह महज 5 ppm ही होती है। गर्ग ने बताया कि नाभी ने नीले एवं जामुनी रंग के गेहूं की किस्म भी विकसित कर ली है। राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ के YouTube चैनल खेतिका किसान माठ द्वारा दी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।